नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अभी हमारे काफी जो सब्सक्राइबर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप का मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, तो अभी स्टाफ की बहुत कमी है, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आप सावधान हो जाएं उन लोगों से जो कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको व्हाट्सएप करने के लिए कह रहे हैं, जो अपना नंबर डालते हैं और फोटो मेरा डाल रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं करती हूँ। मेरा फोटो डाल करके जितने भी कमेंट की जा रही है, जिससे कोई भी प्रकार की जा रही है, आप उन तमाम लोगों से सावधान रहें। ये तमाम लोग फ्रॉड हैं, मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं, ठीक है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा आपके कॉल भी पिकअप होंगे और व्हाट्सएप पर भी आपसे बातचीत होगी। स्टाफ की बहुत कमी है, इसके लिए अभी कोई भी काम हो नहीं पा रहा है। सौ सौ क्षमा चाहती हूँ। तो आज के हम उपाय की बात करें दोस्तों। आज है सोमवार। सोम मतलब चंद्र। आज का सोमवार बड़ा सोमवार है, क्योंकि आज चंद्रवार है और आज का जो अंक है वो दो का है। दो का जो अंक है ये चंद्र का अंक होता है। आज के दिन आपके द्वारा आप यदि मन ही मन सिर्फ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप भी करते रहेंगे, तो भी आपके चंद्र मजबूत बनेंगे। चंद्र आपके मजबूत बनते हैं तो आपको अपनी माता का भरपूर प्रेम मिलता है। जिस व्यक्ति के भी चंद्र मजबूत होते हैं, उस व्यक्ति पर हर व्यक्ति अपना प्रेम न्यौछावर करता है। जिस व्यक्ति के भी दोस्तों चंद्र मजबूत होते हैं, उसका बचपन बहुत सुंदर बहुत प्यारा जाता है। जिसके सूर्य मजबूत होते हैं, उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे वो संवरता ही चला जाता है। तो चंद्र माता का कारक है। यदि चंद्र मजबूत है, प्रेम आपकी लाइफ में भरपूर रहेगा, कभी बेचैन नहीं होंगे आप, अंदर से आप खुश रहेंगे, आपका मन प्रफुल्लित रहता है ना। जब आपका मन दोस्तों प्रफुल्लित होता है ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। आप देखना, हम बाहर की दुनिया में सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। आप कभी दोस्तों नोटिस करना, मैं जो कह रही हूँ थोड़ा आपको समय लगेगा समझने में, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप कभी नोटिस करना, जब आप किसी भी चीज को लेकर के अंदर से दुखी हैं, तो आपको कंटिन्यू वही विचार आएंगे जो दुखदाई होंगे आपकी लाइफ में। जो जो आपको जब जब आप दुखी हुए हैं, वो तमाम थॉट आपके अंदर आएंगे और आप बहाने मार मार कर रोएंगे। क्योंकि दुख उन घटनाओं में नहीं है, उस वक्त दुख जो केमिकल दुख उत्पन्न करता है वो आपकी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो गया है। जब आप अंदर से आपको किसी चीज में यदि गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, आप देखना उस समय आपके सामने कोई भी आ जाए आपको उस पर भी गुस्सा आ जाएगा। आप जो भी काम करने जाएंगे आपको उस पर गुस्सा आ जाएगा। आपको आपके सामने कोई भी निर्दोष आदमी भी आ गया, आपको लगेगा इसको उठा करके बहुत दूर फेंक दूं। अरे कोई निर्दोष मूक जानवर आ गया तो भी आप एक डंडा उसको मार देंगे। क्यों? कसूर वहां नहीं। हाँ, आप बोलते इसने ये आ गया, इसने ये बहुत जोर से चिल्ला कर बोल रहा था इसलिए मैंने इसको मार दिया, इस जानवर ने आकर के मेरे पौधे खा लिए इसलिए मैंने इसको मार दिया। नहीं, यदि आप खुश होते और ये सब कुछ होता तो भी आपके अंदर क्रोध नहीं आता। उस समय जो क्रोध बना रहा है वो केमिकल आपके अंदर पैदा हो गया है, क्रोध आपके अंदर है, अब वो बहाने मार मार कर बाहर आएगा, कभी किसी इंसान के ऊपर, कभी किसी सिचुएशन के ऊपर, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी किसी के। ऐसे ही जब दोस्तों आप खुश होते हैं, आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ गया, आपकी लाइफ में कोई बहुत ही सुंदर घटना घटित हो गई, आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच हो गया, आप देखना खुशी से झूम उठेंगे। उस समय आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाएगा, आपको उस पर क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो केमिकल पैदा हो गया जो आपको खुश कर रहा है। तो जो भी चीज आप बाहर की दुनिया में देख रहे हैं ना, वो बाहर कहीं नहीं है, वो चीज आपके अंदर है। खुशी है तो, दुख है तो, सारी चीजें।
हर शुरुआत उसकी कहीं न कहीं से होती है। कोई न कोई चीज यूनिवर्स की ऐसी आती है जो निमित्त बनती है और उस चीज को थोड़ा सा डेवलप कर देती है। जब वो चीज डेवलप हो गई तो वही चीज आपको हर जगह दिखाई देगी। कहते हैं सावन के अंधे को हर चीज हरी हरी ही दिखती है, क्योंकि अंधा ही तब हुआ जब सावन महीना था, उसके बाद किसी सीजन उसने देखी ही नहीं, तो उसको हरा ही हरा दिखेगा। आत्मा जब शरीर छोड़ती है उस समय उसको जो अनुभव होते हैं वो उन्हीं अनुभवों को लेकर के चली जाती है, क्योंकि उसके आगे की उसकी यात्रा हुई नहीं होती है, उसको कोई नए अनुभव होते नहीं है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें वो कंडीशन डेवलप करनी है जिससे हमारा मन खुश रहे, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे, उन लोगों से मिले जो हमें खुशियां दें, उनसे बिल्कुल ना मिले जो हमारी खुशियों को छीन लेते हैं, जो हमें दुख ही दुख दे देते हैं, उनसे हमेशा दुख रहे। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा जरूर करें। यदि आप चाहते हैं आपको सच में सच्चा सुख मिले, सच्चा प्रेम मिले, दोस्तों सच्चा सुख सच्चा प्रेम बहुत कम लोगों के नसीब में है, बहुत कम लोगों के नसीब में। कई बार इंसान पूरी जिंदगी धोखे में ही बिता देता है, कई बार उसको प्रेम का वहम हो जाता है, कई इंसान जीवन का जीवन गुजार देते हैं एक धोखेबाज इंसान के पीछे और प्रेम से वंचित रह जाते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं मैं बेचैन क्यों हूँ, मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों है, इतनी कलह क्यों है, क्योंकि आप गलत इंसान से जुड़े थे, है ना। लेकिन धोखा हर इंसान की लाइफ में होता है दोस्तों, 99% लोगों की जिंदगी में। आप जिससे प्रेम करेंगे वो व्यक्ति किसी और से ही प्रेम कर रहा होगा। आपकी समझ में कभी ये बात जल्दी आ जाती है, कभी ये बात बहुत देर से आती है। आप शास्त्र और पुराण को उठाएं और देखें, पढ़ें उसको, माया है, अपना काम निकाले जा रही है हर जगह। तो हर कंडीशन में आप अपने मन को कोशिश करें कि वो प्रफुल्लित रहे, खुश रहे। फिर से रिपीट करो, हर सोमवार शिव पूजा जरूर करें। भगवान शिव की पूजा करने से मन प्रफुल्लित रहता है, हर माहौल आपको प्रिय लगता है, गंदे धोखेबाज लोगों से आप दूर रहते हैं, गंदगी से भगवान आपको दूर रखते हैं। सोमवार के दिन कोशिश करें सफेद रंग के कपड़े पहने। जो महिलाएं हैं शादीशुदा हैं वे लोग सफेद फूलों का गजरा सोमवार के दिन जरूर लगाएं। अविवाहित कन्याएं हैं तो भी लगाएं, जो अविवाहित हैं और यदि सफेद गजरा सोमवार के दिन नियम से अपने सिर पर लगाती हैं बालों में तो उनके शादी के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। सोमवार के दिन दोस्तों कोशिश करें मिश्री जरूर खाएं, इससे जीवन में मिठास आती है, मिश्री, ठीक है। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि सोमवार के दिन शक्कर खाना अवॉइड करें, तो किसी ने कहा था कि आप कहते हैं कि सोमवार के दिन, आप पहले किसी वीडियो को बड़े ध्यान से सुने। कभी जो उपाय होते हैं वो लगभग लगभग इतने सिमिलर होते हैं कि दोनों के बीच में क्या फर्क है, दो वीडियो के बीच में उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो भी जाता है, नो डाउट। कभी भी आपको डाउट होता है किसी भी चीज को लेकर के तो आप उसको रिपीट कर करके सुने। शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए शुक्रवार के दिन मैं ज्यादातर अपनी वीडियो बताती हूँ मीठा खाए। लेकिन शुक्रवार के दिन दोस्तों मठा के आलू खाने की मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें काफी कमेंट्स आए थे कि मठा के आलू तो खट्टे होते हैं, मठा के आलू खाने से आपके राहु प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम राहु से क्रिएटेड है तो मठा के आलू शुक्रवार के दिन खाने से वो तकलीफ दूर होती है। हर उपाय दोस्तों जब भी, या तो आप भरोसे से कर ले, भरोसा नहीं कर पाते हैं तो खुद के दिमाग से उसको 4-5 बार सुने और समझे। दोनों ही वीडियो को आप कंपेयर करके सुने, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात बताई जा रही है। तो सोमवार के दिन मिश्री खाएं, मिश्री घर में भी लाएं, इससे भी आपके चंद्र मजबूत बनते हैं।
कच्चा दूध दोस्तों शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भी चढ़ाना ना भूले, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन शिव पूजा सोमवार के दिन बिना भूले करें। और थोड़े से चावल, चावल दोस्तों चांद से जुड़े हुए हैं, चंद्र को मजबूत बनाते हैं। सोमवार के दिन थोड़े से चावल पानी में भिगो दें, उसको फूलदार फूल जाने दें, उसके बाद में उन चावलों को पानी के अंदर ही अपने हाथों से क्रश कर लें और उस पानी से दोस्तों हर सोमवार आप मुंह धोएं, हर सोमवार नया पानी बनाए इस तरीके से, उससे मुंह धोएं। मुंह धोने से पहले उस चावल को दो चम्मच, उस चावल के पानी को दो चम्मच आप पी लें। आपके चंद्र मजबूत मतलब बहुत मजबूत बन जाएंगे। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम आएगा, सच्चा प्रेम आएगा। आपके साथ जो आपके इमोशन से खेल रहे हैं, आपको देखना कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ करके सिर्फ आपके आपके जीवन की जो घटनाएं हैं, आपके जीवन के जो सीक्रेट्स हैं वो लेते रहते हैं, बदले में आपको वो अपनी लाइफ के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताते। आप क्योंकि इमोशनल उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, आप दिल खोलकर बात करते हैं, लेकिन वही लोग आपके प्रत्येक इमोशन का बाहर जाकर फायदा उठाते हैं, समय समय पर फायदा उठाते हैं। कभी कोई ऐसा समय आ जाता है जब कुदरत आपको मौका देती है कि आप उसे पहचान जाए, उस समय कमजोर ना बने, पहचान जाए। हर व्यक्ति पर कभी भी दोस्तों भरोसा ना करें। अगर आपने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया तो जिंदगी में आपसे ज्यादा और कोई नहीं पछताएगा। आपके जीने से, आपके मरने से दोस्तों किसी को टट्टू फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुशी आपकी है, आपके दुख आपके हैं, तो अपने जीवन में उन्हीं लोगों को शामिल करें जो आपके हैं, पहचाने, उसके बाद आगे बढ़े, इमोशंस में अंधे ना बने। जो अच्छे उपाय हैं, जिस वार के हैं, उस वार को यदि आप करते रहे तो आप हमेशा बुराइयों से बचे रहेंगे, जीवन में आपकी उन्नति होती रहेगी। इस उपाय को जरूर करें हर सोमवार, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। करके देखें। जय श्री कृष्ण।